केजरीवाल की तबीयत को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मीडिया के दस्तावेजों से तथ्य सामने आया है कि अप्रैल में जेल जाने की अवधि और चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत के बीच अरविंद केजरीवाल का वजन बढ़ गया है। वहीं कहीं पर भी 8 तो कहीं 8.5 किलो वजन कम नहीं हुआ है। वहीं मामूली वजन कम होने का कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में खाना बंद कर दिया है ताकि उनका वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके और पीड़ित होने का कार्ड भी खेला जा सके। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी ने अब महारत हासिल कर ली है, झूठ बोलो, अनर्गल आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो, ड्रामा कार्ड खेलो, विक्टिमहुड कार्ड खेलो और डाइवर्ट करके निकल जाओ। जिस प्रकार से पुराने आरोपों को ही फिर से नया स्वरूप देकर परोसा जा रहा है, इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था 4.5 किलो वजन घटा है, पर तब भी पता चला था वजन घटा नहीं, बढ़ा था। तथ्य क्या है जो मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं? जब अरविंद केजरीवाल अप्रैल में जेल में गए, तब से लेकर जब तक उनको अंतरिम राहत नहीं मिली, उनका वजन तो 1 किलो बढ़ गया था। जब उनको कैंपेनिंग के लिए मई में अंतरिम राहत मिली और जून 2 तक वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तब उनका वजन लगभग 63.5 किलो हो गया, 63.5 केजीज हुआ। उसके बाद अब जो मीडिया ने दिखाया है कि 14 जुलाई को जब उनका वजन किया गया तो वो घटकर 61.5 केजीज हुआ है। कहीं पर भी 8, 8.5, 9 किलो वजन नहीं घटा है। और ये भी जो वजन मामूली सा कम हुआ है, क्या उसके पीछे कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जब से वो कैंपेनिंग के बाद जेल में फिर से आए हैं उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया है, शायद इसीलिए ताकि वो वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा सके। हमने देखा है ना कि किस प्रकार से मीठा खाना भी खाया जा रहा था ताकि शुगर लेवल को स्पाइक किया जा सके। एक मेडिकल बोर्ड है एम्स की जो लगातार मॉनिटर करती है अरविंद केजरीवाल की सेहत को और टाइम टू टाइम डाइट और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है। सुनीता केजरीवाल जी भी उनके संपर्क में है। और तिहाड़ जेल तो पूरा आम आदमी पार्टी के तहत आता है, तो क्या ये आरोप ये लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है? देखिए, बिना सिर पैर के आरोप लगाना और फिर जाकर अरुण जेटली जी से, जैसे उन्होंने माफी मांगी थी, गडकरी जी से माफी मांगी थी, नाक रगड़ कर कई बार माफी मांगी थी, ये इनका पुराना चरित्र बन चुका है। आम आदमी पार्टी को अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए और दिल्ली में जो फैली अव्यवस्था है उसके ऊपर और अपने भ्रष्टाचार के ऊपर जवाब देना चाहिए।